तो असल हाजिर के तकाजाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आशकारा शरे पैगंबर कहीं अलहजर आई ने पैगंबर से सौ बार अलहजर हाफिज नामूस जन मर्द आजमा मर्द आफरी अलहजर पना पना आई ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां इकबाल ने जो कमाल दिखाया है दिस इज द जिस्ट लुबे लुबाब। आई ने पैगंबर क्या है? नंबर एक हाफिज नामूस जन मर्द आजमा मर्द आफरी। इसका जो माशरती निजाम है वो क्या है? औरत की इस्मत व इफ्फत की हिफाजत नंबर एक। उसके लिए चार चार पर्दे दिए इस्लाम ने, एक नहीं चार, पूरे माशरे में एक पर्दा हो, सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्सेस। मर्दों का दायरा कार अलहदा है, औरतों का अलहदा है, मर्दों के स्कूल अलहदा है, औरतों के अलहदा है, मर्दों की कॉलेज अलहदा है, औरतों का अलहदा है, मर्दों के अस्पताल अलहदा है, औरतों का अलहदा है, सेग्रीगेशन। नंबर दो घर की चार दीवारी के अंदर, ये नंबर दो पर्दा है। बाहर निकले तो बुर्का ले या चादर ले चेहरा ढांपे, ये तीसरा पर्दा है। और घर की चार दीवारी के अंदर बदन को पूरे तौर पर ढांक कर रखना सिवाय चेहरे के और हाथ के और पांव के, इसके सिवा औरत के जिस्म का कोई हिस्सा मां का भी बेटे की निगाह में ना आए, बहन का भाई की निगाह में ना आए, बेटी का बाप की निगाह में ना आए। वरना क्या नहीं हो रहा आज? इंसेस्ट नहीं हो रहा आज? कितना हो रहा है यूरोप में और आपके यहां कितना कुछ हो रहा है? हाफिज नामूस जन मर्द आजमा, मर्द के लिए चैलेंज है। तुम्हारा काम है, माश की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सर है, औरत के सर नहीं है, उसकी किफालत तुम्हारे जिम्मे है। यू हैव टू सपोर्ट हर, और औलाद की सारी किफालत तुम्हारे जिम्मे है। शादी करोगे मेहर तुम दोगे, औरत लेगी। शादी का खर्चा तुम करोगे, दावत तुम दोगे वलीमे की, औरत के वालों की लड़की वालों की तरफ कोई नहीं है। दिस इज द चैलेंज टू द मेल्स, हाफिज नामूस जन मर्द आजमा, चैलेंजिंग। और दिफा जो है मुल्क का वो असल में तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये ठीक है किसी आखिरी वक्त में आकर अगर होम टू होम फाइटिंग हो रही हो, स्ट्रीट फाइटिंग हो रही हो, औरतें भी आए मैदान में, ठीक है, लेकिन नहीं बुनियादी तौर पर नहीं। इसी से मर्दानगी पैदा होती है। नंबर दो मौत का पैगाम हर नौए गुलामी के लिए, न कोई फखफूर खाका न गदाए रहनशी, कोई गुलामी नहीं, कोई हाकिम नहीं, कोई महकूम नहीं, अल्लाह हाकिम तुम सब महकूम, कूनू इबादल्लाह इखवाना, सियासी सतह पर तुम सब बराबर हो बिल्कुल, नो डिस्क्रिमिनेशन। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक साफ, दौलत के अंदर जो गंदगी आ जाती है उनसे पाक साफ करता है आईने पैगंबर। जकात भी निकालो इसमें से, सदकात भी निकालो इसमें से, आग पाक करो इसको। और मुनीमों को मालो दौलत का बनाता है अमी, यहां तो मुनामो कर कीजिए, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है कहता है ये तुम्हारा माल नहीं है, अल्लाह का माल है। ई अमानत चंद रोजा निजमास्त, दर हकीकत मालिक की हर शय खुदास्त, ये तो अमानत है, जो मालिक है उसकी मर्जी के मुताबिक तुम तसरुफ करोगे। और इससे बढ़कर क्या फिक्र अमल का, इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकलाब? बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन, देख खुदाया ये जमीन तेरी नहीं, तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं, मेरी नहीं, अल्लाह की जमीन है। उसूल क्या है? कोई बंजर जमीन कहीं पड़ी है, जो जो उसको काबिल काश बना लेगा वही मालिक हो जाएगा, और अगर काश नहीं करेगा, तीन साल अगर गुजर गए तो खत्म, मिल्कियत खत्म। और जिसकी जमीन है खुद काश करे, ये मैं पहले बयान कर चुका हूं, इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक दोनों का मौकिफ है। अब क्या कह रहा है देखिए, चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आईन तो खूब, ये आईन इंसानों के निगाहों के सामने आना नहीं चाहिए, इसे रोको। जरा सी झलक दिखाने की उम्मीद हो गई अफगानिस्तान में, उस इबलीस और इबलीस के चेलों ने निप दी इवल इन दी बड, खत्म, झलक हो गई थी, थोड़ी सी झलक थी, पूरे अफगानिस्तान में अमनो अमान हो गया था। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन, हमारे लिए ये बात है काबिल इत्मीनान कि मोमिन ही को यकीन नहीं है कि मेरे पास ये निजाम है, ये निजाम वाकई अच्छा है,
यहां तो कहते हैं सूद के बगैर कोई निजाम चल ही नहीं सकता, माश मईशत का कोई निजाम मुमकिन ही नहीं है। ये हमारे यहां सब कहते हैं, वो सारा निजाम जो उनका जो है वो जादू वो है जो सर चढ़कर बोल रहा है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे, इसी में लगाए रखो इसे, इसमें ये मफहूम और इसके अंदर ये मफहूम और उसमें से निकालो और बाल की खाल उतारो, इसमें लगाए रखो, तोड़ डाले जिसकी तकबीरें तलिस में शश्तहात, होना रोशन इस खुदा अंदेश की तारीख रात। ये खुदा का तस्वुर रखने वाला जो है इसकी रात जो तारीख है वो कहीं रोशन ना हो जाए, सुबह ना तलू हो जाए, क्योंकि फिर इसकी तकबीरें जो हैं शश जहात छह जो डायमेंशन है उन सबको जो है तोड़ के रख देगी। अब वो मसाइल क्या है इनमें उलझाओ, ये इकबाल के खास जमाने के मसाइल थे। इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है, हजरत मसीह फौत हो चुके सूली चढ़ चुके या नहीं, आकर कश्मीर में दफन हो गए या क्या हुआ, इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है, हैं सिफात ज़ात हक हक से जुदा या ऐन ज़ात, ये मैं पहले गिनवा चुका हूं आपको, आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है या मुजद्दिद जिसमें हो फरजंद मरियम के सिफात, वो जिसके आने की खबर दी गई है वो वही ईसा इब्ने मरियम होंगे मसीह नासरी जीसस ऑफ नजरत, या ये कोई मुजद्दिद होगा जिसके अंदर मरियम फरजंद मरियम के सिफात। ये सारे मसाइल उस जमाने में कादियानियत ने बड़े जोर और शोर के साथ खड़े किए हुए थे, आज आप नहीं जान सकते जिस कदर ये चीजें जो है मुसलमानों में कम से कम हिंदुस्तान में और खासतौर पर पंजाब के अंदर जिस तेजी के साथ ये परवान चढ़ी है, और कादियानियत जो है जंगल की आग की तरफ फैल रही थी उस वक्त। इसलिए गुलाम अहमद कादियानी ने कुछ मुनाजरे सर किए थे, कुछ ईसाइयों को शिकस्तें दी थी, कुछ आर्याओं को शिकस्तें दी थी, वो सबके जो है आंखों का तारा था, खुद इकबाल ने तारीफ की गुलाम अहमद कादियानी की, लेकिन फिर उसके बाद उनको काफिर करार दिया। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्या मामला है, आपने पहले तो तारीफ की थी, तो कहा ओनली स्टोन्स डू नॉट चेंज, ये फितने उनके उठाए हुए अल्फाज है उस वक्त में। है कलामुल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अकीदे में निजात, क्या मुसलमान के लिए काफी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मनात, तुम इसे बेगान रखो आलम किरदार से, ताबिसाते जिंदगी में उसके सब मोहरे हमात, खैर इसी में है कयामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसबात, है वही शेर व तसव्वुफ इसके हक में खूबतर, जो छुपा दे इसकी आंखों से तमाशाए हयात, हर नफस डरता हूं इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसकी दी के एहतसाब कायनात, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे, मुख्ततर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। ये उसकी आखिरी जो है हिदायत है। मैं इसके साथ ही इब्लीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों में नाम वो भी लेकर आया था, लेकिन अब वक्त नहीं है। अब जो दूसरा हिस्सा था मेरी गुफ्तगू का, वो जमात जो बनाना चाहते थे अल्लामा इकबाल, वो जो मैं बयान कर चुका हूं, ऐसी जमात जिसमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हो, इस्लाम को पहले अपने वजूद पर नाफिज करें फिर मैदान में आए, और बैत की बुनियाद पर इमारत की बुनियाद पर निजाम हो। ये इलेक्शन इलेक्शन के हंगामे जो है, जिसको इकबाल ने कहा है कि ये खेल जो है, ये सारा जो इंतखाबात वगैरह का है, इस सबसे हटकर एक इनकलाबी जिद्दोजहद जो माखूद और मबनी होगी मनहज इनकलाब मोहम्मदी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से हुजूर ने किया है उसके मुताबिक इनकलाबी जिद्दोजहद का बरपा करना, ये है असल में वो जरूरत जिसके तहत बहरहाल हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। आप भी सोचिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको खैर की तौफीक दे। अकूल कौली हाजा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।